तो यहाँ पर अगर आप Realme 7 Pro डिवाइस के यूज़र हो तो आज का ये वाला वीडियो आप Realme 7 Pro यूज़र्स के लिए भाई बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया पे Realme की तरफ से Realme 7 Pro डिवाइस के लिए एक और न्यू बहुत ही ज़्यादा कमाल का न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट यार हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से भारत के दौरान एक और न्यू अपडेट इंडिया पे Realme 7 Pro डिवाइस के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है, अपडेट का साइज क्या है एंड इस न्यू अपडेट के बाद आपके Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है यहाँ पर Realme की तरफ से। तो आज की वीडियो को उसे लास्ट तक देखना। उससे पहले भाई चैनल पे नहीं आ रहे हो और Realme के 7 Pro डिवाइस का यूज़ करते हो तो यहाँ पर भाई फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पे Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर जो भी अपडेट Realme रिलीज़ करेगा उसका वीडियो आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपका भाई का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ, अगर आप Realme 7 Pro डिवाइस की यूज़ करते हो और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो देखो भाई अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पे Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर जो भी अपडेट आएगा या फिर Realme जो भी अपडेट रिलीज़ करेगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो भाई अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Realme 7 Pro डिवाइस के लिए इंडिया पे जो न्यू अपडेट भाई रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है, अपडेट का वर्जन है F.23। जी हाँ भाई F.23 वर्जन के दौरान इंडिया पे एक और न्यू अपडेट Realme 7 Pro डिवाइस के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है भाई फाइनली। तो अगर आपके पास भी Realme का 7 Pro डिवाइस है तो भाई आपको यहाँ पर एक काम करना है, सबसे पहले आपके डिवाइस की सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद आपके डिवाइस की सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन पे जाके आपको देखना है ये जो F.23 न्यू अपडेट है Realme 7 Pro डिवाइस के लिए ये वाला अपडेट आपके डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिला है या फिर आपके Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर इंडिया पे ये वाला अपडेट आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। मुझे कमेंट करके बताना कि ये अपडेट आपको मिला है या फिर नहीं मिला, ठीक है ना। अगर आपके Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर इंडिया पे ये वाला अपडेट आपको देखने को मिल गया है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है भाई, आप तुरंत अपडेट कर लो। और आपके Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर ये जो न्यू अपडेट है अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो इस वाले वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, कैसे आपको अपडेट मिलेगा, कैसे आपके डिवाइस को अभी कभी अपडेट करेंगे वो सब कुछ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सबको समझा दूंगा। तो वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप करते हुए लास्ट तक देखते रहो। तो भाई इस अपडेट की साइज़ की बात करें यानी इस F.23 अपडेट की साइज़ की बात करें तो 234 MB जी हाँ 234 MB के दौरान एक मीडियम छोटा साइज़ का अपडेट देखने को मिला है इंडिया पे Realme 7 Pro डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर भाई अब हम लोग बात करते हैं इस F.23 न्यू अपडेट के बाद आपके Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलता है Realme की तरफ से इस वाले अपडेट के बाद यानी इस न्यू अपडेट के बाद। तो सबसे पहले आपको अक्टूबर 2022 का लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। जी हाँ भाई इस F.23 न्यू अपडेट के बाद आपको एकदम लेटेस्ट अक्टूबर महीने का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है आपके डिवाइस के अंदर। उसके बाद सिस्टम के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर आपको मिलता है वह दोस्तों इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। जी हाँ इस F.23 न्यू अपडेट के बाद आपके Realme 7 Pro डिवाइस का जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है उसको काफ़ी बेहतरीन काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है। यानी आपके डिवाइस को जैसे आप नॉर्मल यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे या फिर क्लोज करोगे या फिर कोई भी काम आप करोगे आपके Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर तो इस F.23 न्यू अपडेट के बाद आपको और भी ज़्यादा बेहतर और भी बढ़िया एंड और भी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यानी आपका Realme 7 Pro डिवाइस यहाँ पर लैग नहीं करेगा, आपको एकदम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। आपका Realme 7 Pro डिवाइस यहाँ पर बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही बढ़िया चलने वाला है इस वाले अपडेट को करने के बाद, जो बहुत ही बढ़िया बात हो जाता है। तो देखो ये जो Realme 7 Pro डिवाइस के लिए नवंबर महीने का लेटेस्ट अपडेट है F.23 न्यू अपडेट, इस अपडेट के बाद आप ज़्यादा कुछ फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। इस अपडेट के बाद आपको जो जो फीचर्स मिलता है वो सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के दौरान। सिर्फ आपको अक्टूबर 2022 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है एंड आपके डिवाइस की सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया है इस वाले अपडेट के बाद। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं ये जो F.23 न्यू अपडेट है Realme 7 Pro डिवाइस के लिए ये वाला अपडेट आपके Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो आप क्या करेंगे, कैसे आपको अपडेट मिलेगा, कैसे आपके डिवाइस को अभी कभी अपडेट करेंगे। तो देखो भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर इंडिया पे ये वाला अपडेट अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो भाई आपको यहाँ पर एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। जी हाँ अभी Realme 7 Pro यूजर्स के लिए सभी यूजर्स के लिए यह अपडेट ऑल आउट नहीं हुआ है। सभी यूजर्स को मिलने में कम से कम एक हफ्ता टाइम लग जाएगा, क्योंकि Realme यहाँ पर धीरे धीरे ऑल आउट कर रहा है। तो एक हफ्ता वेट करो, एक हफ्ते के अंदर आपको यह अपडेट डेफिनेटली आपके सेटिंग्स पे सॉफ्टवेयर अपडेट पे यह अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आपके दोस्त के पास ये वाला वीडियो शेयर जरूर से कर देना, ताकि आपके दोस्त को भी Realme 7 Pro डिवाइस की 8.23 न्यू अपडेट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। उसके साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट फ्यूचर पे Realme 7 Pro डिवाइस के अंदर रिलीज करेगा Realme, उसका इन्फॉर्मेशन उसका वीडियो आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो देखो भाई ये सब नॉर्मल सीड पैच का अपडेट है, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलता है इस वाले अपडेट के बाद आपके डिवाइस के अंदर।